today I am going to discuss about a poem an elegy written in country churchyard. गांव के कब्रिस्तान पर लिखी गई एक शोक गीत नामक कविता, जिसको कि थॉमस ग्रे ने 1751 ईस्वी में लिखा था, पब्लिश हुई थी वो कविता 1745 से, मतलब कि स्टार्ट होकर के 1751 में पब्लिश हुई है। इस कविता को आज हम इस मतलब कि वीडियो में चर्चा करेंगे, एंड आई होप दैट द स्टूडेंट हु आर द क्लास ऑफ बी ए फर्स्ट ईयर, आई मीन टू से दैट दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस पोएम इज वेरी ईजी। वाई? इट हैज बीन कंसिडर्ड बाई द टीचर इन द प्री क्लासेस 11th and 12th. So, by study or consider, it will be very easy. If it will be study by the student, why? It is known poem of the student. It is known poem by the student. इन प्री क्लासेस। तो मैं इसके पहले इस कविता को इंट्रोड्यूस करने के पहले थोड़ा सा हम इस कविता के जो पोएट हैं थॉमस ग्रे महोदय, मैं उनके बैकग्राउंड मतलब उनके लाइफ में आपको ले चलता हूँ। उनकी जो स्थिति रही है कविता की लिखने की, साहित्य अंग्रेजी साहित्य की सेवा करने की, मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करता हूँ। तो आला फर्स्ट पे अटेंशन what I am teaching, what I am discussing before you. So these points, which points are related to the life of Thomas Gray, are very important, and the questions will be asked, or it can be very important for the students who have to face the university examination. So, all of us, we want to know about the date of birth of Thomas Gray. मतलब थॉमस ग्रे के जीवन के बारे में, जीवन की दशा, उनके मतलब कि जन्म के बारे में पहले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई इन द ऑप्शनल पेपर इट इज रिक्वायर्ड, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब यह जो घटनाएं हैं उनके जीवन से संबंधित, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ डेथ, उनका और स्ट्रगलिंग लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं, इसके बाद हम आपको ले चलेंगे इन द नटसेल ऑफ द पोएम, मतलब कि पोएम के थोड़ा सा संक्षिप्त क्या कहते हैं कविता पर, मतलब उस पोएम के संक्षिप्त तत्वों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपको स्टेंजा वाइज मतलब एक एक पैसेज का थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल करूंगा। तो ऑल ऑफ अस द स्टूडेंट शुड राइट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ थॉमस ग्रे। तो ऐसा मतलब कि ये सर्च हुआ, मतलब ऐसी मतलब एक वो क्या कहते हैं डेट है उनके विषय के बारे में, उनके जीवन के बारे में, वो है 1716 ईस्वी। जैसा कि उनका जो जन्म हुआ है वो 1716 ईस्वी में 26 दिसंबर 1716। ही वॉज नोन एट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ हिज लाइफ 1716 26 दिसंबर। इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज रिटेन दैट ये लिखा जाता है, ये पाया गया है इट वॉज फाउंड दैट He was born in 1716 on 26 December. Gray is an English lyric. It is said that in the second concept, going through the life of Thomas Gray, he was an English lyric. मतलब वो अंग्रेजी कविता के लिखने वाले, अंग्रेजी कविता के साहित्यकार हैं, मतलब अंग्रेजी कविता के जो है
लेखक हैं, अंग्रेजी कविता के कविता लिखने वाले कवि हैं, उनको इंग्लिश लिरिक के नाम से, ही इज एन इंग्लिश लिरिक, मतलब लिरिसिस्ट कह सकिए, मतलब को कवित्व, मतलब कविता के लिरिक, मतलब कविता लिखने वाले हैं। और दूसरे, पोएम इज एन इमोशनल सॉन्ग। अब ये बताया जाता है कि ये जो कविता इन्होंने लिखा है, थोड़ा सा उसके संदर्भ में, ये जो एक भावात्मक कविता है, थॉमस ग्रे ने जो चर्चा किया है, इस कविता को लिखा है, क्योंकि अभी इसके सारांश में, इसके कविता के संदर्भ में, इसके अर्थ के संदर्भ में बताऊंगा कि ये जो कवि हैं, ये गांव के कब्रिस्तान पर स्थित है, गांव के कब्रिस्तान पर उपस्थित है, वहां पर बैठा हुआ है, और कब्रिस्तान में जो लोग दफनाए गए हैं उनके बारे में सोच रहा है, जैसा कि भी आप आते हैं उनके दृष्टांत को, उनके जीवन के दृष्टांत को देखते हुए। तो इन द थर्ड व्यू, इन द थर्ड स्टेप, पोएम इज एन इमोशनल सॉन्ग, ये एक भावात्मक कविता है। एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चार्ट, दिस इज एन इमोशनल सॉन्ग। ग्रे वाज एन एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिक राइटर। एक प्रकार से ये अपने आप में, मतलब थॉमस ग्रे के बारे में बताया गया है कि थॉमस ग्रे वाज है एक्सट्रीमली, विशेष रूप से एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिक राइटर, मतलब एक सेल्फ क्रिटिक राइटर हैं, एक आलोचना लिखने वाले कवि हैं, ये आलोचना करते हैं, मतलब आलोचक कवि हैं, इनको जो है आलोचक आत्म, मतलब सेल्फ माने स्वतः आलोचक कवि हैं, मतलब हर कविताओं को, जो कविताएं इन्होंने लिखा है, जैसा कि इनके, इन्होंने अपने जीवन में 13 पोएम्स टोटली हैज बीन रिटेन बाई थॉमस ग्रे, मतलब इन्होंने अपने जीवन में 13 कविताएँ लिखी है। तो हम इनके जीवन से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए हम ये पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचते हैं कि ही वाज, ग्रे वाज एन एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिक राइटर हु पब्लिश्ड ओनली 13 पोएम्स इन हिज लाइफ टाइम। मतलब ये बातें आ गई, सामने आ गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने अपने जीवन में कुल 13 पोएम्स लिखे थे। कितने पोएम्स लिखे थे? 13 पोएम्स। लाइफ टाइम का मतलब उनके जीवन तक का उन्होंने पूरा, ही हैज गिवन 13 पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने 13 कविताओं को प्रदान किया है, अंग्रेजी साहित्य को उन्होंने 13 कविताएं प्रदान किया है। इस प्रकार से आप जो है ये देख सकते हैं कि यह जो कविता उन्होंने लिखा है, एक मेलंकली थाट है, एक निराशा विचार, निराशावादी विचार विचार है, मतलब कि एक बहुत मायूसी का विचार है। आगे देखते हैं, थॉमस ग्रे एक्सप्रेस्ड डीप एंड यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग इन फार्म डराइव फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। ये देखा जाता है कि इन्होंने जो कविताएं लिखा है, थॉमस ग्रे की कविताओं में, मतलब इन्होंने जो रोमन और ग्रीक, मतलब लिटरेचर ग्रीक और रोमन साहित्य में जो कविताएं लिखी हैं, इन्होंने कविताओं को, ही हैज एड्रेस हिज पोएम्स विच इज फुल ऑफ मोर्नफुल थाट, मोर्नफुल फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव जाति की, जो क्या कहते हैं कि निराशावादी, मतलब थोड़ा सा जिसमें निराशा है, दुख है, ऐसी भावनाओं को उन्होंने अपनी कविताओं में, जो कविताएं रोमन लिटरेचर में और ग्रीक लिटरेचर में उन्होंने लिखा है, उन्होंने योगदान दिया है अंग्रेजी साहित्य में कविताओं को लिख करके, उन कविताओं का जो थीम है, उन कविताओं का जो मतलब कि थॉट है, वो क्या है? डीप एंड यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग्स, मतलब कि वो मतलब गहरी और मानवी विचारों, मतलब कि मानव के जो मिलांकली, मतलब निराशावादी, या मतलब जो निराशावादी विचार हैं, उसको अपनी कविताओं में उन्होंने संकलित किया है। सो ह्यूमन फीलिंग्स इन फार्म डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर ही हैज कंट्रीब्यूटेड द पोएम विच इज इन फार्म ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर दीज फीलिंग्स दीज पोएम्स आर फीलिंग्स विथ ह्यूमन थाट विच इज एक्सप्रेस्ड इन डीप मेथड एंड ही वॉज रिलेटेड इन मिडिल क्लास पेरेंट्स। अब हम थोड़ा सा आपके देखते हैं, अभी तो उनकी कविताओं के बारे में बताया गया कि उन्होंने ग्रीक और रोमन लिटरेचर की जो कविताएँ लिखी हैं, उसमें जो है मानव के निराशा या दुख से संबंधित जो सोच हैं, विचार हैं, उसको संकलित किया है। अब आते हैं इनके द स्टेटस ऑफ हिज फैमिली, मतलब इनके परिवार का जो स्टेटस है, स्थिति है, उसके बारे में जो है यहाँ पर एक पंक्ति है, विच कैन बी सीन, विच कैन बी नोन इजली, इट इज रिलेटेड द कंडीशन ऑफ हिज
फैमिली स्टेटस मतलब कि पारिवारिक स्थिति से संबंधित है, तो उन्होंने उनके बारे में बताया गया कि थॉमस ग्रे वाज रिलेटेड ए मिडिल क्लास पेरेंट्स, मतलब कि एक माँ क्या कहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार के साथ, मध्यम उनके जो माता पिता थे एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। मतलब उनका जो स्टेटस है, द स्टेटस ऑफ हिज फैमिली इज ए मिडिल स्टेटस, मतलब कि उनकी जो स्थिति है उनके जो परिवार का स्टैंडर्ड है वो क्या है, मिडिल स्टैंडर्ड है। मतलब ही वाज द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली, द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स आर फाउंड ए मिडिल स्टैंडर्ड, ए मिडिल कंडीशन। इस प्रकार से वो मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। अब आइए देखते हैं कि वो हाउ मेनी काइंड ऑफ थॉमस ग्रे इन राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य में लिखने का उनका जो स्टैंडर्ड रहा है वो किस प्रकार से जाने गए, उनका जो मतलब मापदंड रहा है अंग्रेजी साहित्य में, वहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इट इज सेड दैट ही वाज ए पोएट, वाई ही वाज ए ग्रीक एंड रोमन पोएट आल्सो, लेटर राइटर, लेटर राइटर्स मतलब यू नो वेरी इट इज वेरी इजली लेटर राइटर्स, मतलब कि जो लेटर मोड की जो कविताएं थी उसको लिखने में भी वो माहिर थे, मतलब उनको लेटर राइटर भी कहा जाता है। क्लासिकल स्कॉलर एंड प्रोफेसर एट पेम्ब्रोक कॉलेज इन कैम्ब्रिज, अब मतलब उनकी स्थिति आती है क्लासिकल स्कॉलर, मतलब एक क्लासिकल का मतलब होता है थोड़ा तेज स्कॉलर, मतलब विद्वान थे एंड विद्यार्थी थे एंड प्रोफेसर, लास्ट में उनको पेम्ब्रोक कॉलेज इन कैम्ब्रिज, मतलब पेम्ब्रोक कॉलेज इन कैम्ब्रिज में पेम्ब्रोक कॉलेज जो है उन उसमें उन्हों वो जो है प्रोफेसर मतलब हो गए। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन है, जीवन का जो क्या कहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव है और उनके जीवन का जो दृष्टांत है, उनके जीवन का जो संघर्ष है वो इन पंक्तियों में देखने से मिलता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उनका जन्म 1716 में हुआ है, अभी उनको डेट ऑफ जो उनकी वो है मतलब डेथ उसको भी हम आपको कंसिडर करके बता रहे हैं। तो इसके बाद इसके पहले जो है हम देखना चाहते हैं कि इनकी जो फेमस है, मतलब इनकी जो फेम है, इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस प्रकार की है, थोड़ा सा अंग्रेजी साहित्य में, रोमन साहित्य में और ग्रीक लिटरेचर मतलब ग्रीक लिटरेचर साहित्य में हम उनको देखते हैं, उनके स्टैंडर्ड को चेक करते हैं। ग्रे अचीव्ड ए परफेक्ट फ्यूजन ऑफ डिग्निटी ऑफ द सब्जेक्ट रिटेन बाय दिस, मतलब वो बताया गया कि इनकी जो कविता है इसमें इनकी उदारता, इनके गौरव के रूप को, इनके गौरव के इन्होंने मतलब अचीव्ड ए परफेक्ट फ्यूजन ऑफ डिग्निटी, मतलब उदारता और गौरव का, गौरव की जो उपलब्धि है इन्होंने अपनी कविताओं में जो इन्होंने स्वतः लिखी है, इनके कविताओं का जो विषय रहा है इनकी उदारता, इनके गौरव को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से थॉमस ग्रे वाज कॉल्ड ए अचीवर ए परफेक्ट फ्यूजन ऑफ द डिग्निटी, मतलब वो क्या किस प्रकार की उनकी अचीवमेंट थी। तो इसमें बताया गया कि वो क्या थे, ग्रे ग्रे अचीव्ड ए परफेक्ट, ही वाज द अचीवर ऑफ ए परफेक्ट फ्यूजन ऑफ डिग्निटी ऑफ द सब्जेक्ट रिटेन बाय दिस पोएम, मतलब इस कविता में उन्होंने जो उद्धरण दिया है, जो कविता का संकलन करके उसका जो उद्देश्य जिसको मोटो जो है संकलित वर्णित किया है उससे उनकी उदारता, उनके गौरव को दिखाई देखा जा सकता है। द नेम ऑफ हिज फादर, अब आता है द कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर, सो इट इज फाउंड दैट हिज फादर नेम वॉज फिलिप ग्रे, मतलब ये प्रश्न आता है कि उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था। सो इट इज फाउंड दैट हिज फादर नेम वॉज फिलिप ग्रे, सो इट कैन बी नोटेड, इट कैन बी रिटन बाय द स्टूडेंट, इट इज ए वेरी पेक्यूलर क्वेश्चन विच इज रिलेटेड ऑफ हिज फादर, मतलब द नेम ऑफ हिज फादर, सो इट कैन बी रिटन, इट कैन बी नोटेड डाउन बाय द स्टूडेंट, फिलिप ग्रे वॉज हिज फादर। सो ऑन द नेक्स्ट स्टेप ग्रे डाइड ऑन, अब ये इट इज क्वेश्चन, इट इज ए काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट विल बी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट व्हेन डिड ही डाई, एक प्रकार का क्वेश्चन किया जा सकता है कि ग्रे जो थे वो कब मरे थे और कहाँ मरे थे, मरने के बाद उनकी क्या स्थिति थी, कहाँ पर वो दफनाए गए थे। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैंने वो बिंदुओं को मैंने जो है वो किया है, मोडिफाई किया है, आप देख सकते हो। ग्रे डाइड ऑन 30 जुलाई इन 1771, मतलब कि
ग्रेट जो है 30 जुलाई 1771 ईस्वी को कैम्ब्रिज में मर गए, मतलब कैम्ब्रिज में इनकी मृत्यु हुई थी। एंड ऑल्सो आज वी रीड बिसाइड हिज मदर्स इन द चर्च यार्ड, मतलब ये भी बताया गया है, इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ वेरी रिमार्केबल पॉइंट अबाउट द ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब ये प्रश्न आ सकता है कि उनकी कब्र कहाँ पर बनी थी, वो कहाँ दफनाए गए थे, ऐसा प्रश्न आ सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच इज कनेक्टेड विच इज रिलेटेड अबाउट द ब्यूरिड प्लेस ऑफ इज ऑफ थॉमस ग्रे। तो यहाँ पर कहा गया कि ही वॉज ब्यूरिड बिसाइड हिज मदर, मतलब वो अपनी माँ की कब्र के पास दफनाए गए थे। और वो कब्र किसकी थी? ऑफ सेंट गाइल्स चर्च इन स्टॉक पोज, मतलब स्टॉक पोज नामक स्थान में सेंट गाइल्स का जो कब्रिस्तान है, चर्च है, मतलब वहाँ पर कब्रिस्तान जहाँ पर दफनाए जाते हैं लोग, उसको चर्च कहा जाता है। वहाँ पर थोड़ा सा वो धर्म स्थल का मतलब कि एक प्रकार से धार्मिक स्थल होता है, जैसे हिंदुओं में टेंपल होता है, मुसलमानों में मास्क होती है, तो इसी प्रकार से चर्च होता है कि ईसाइयों में चर्च होता है। सेंट पॉल के चर्च में एक कब्रिस्तान बना था जहाँ पर उनकी माता जी दफनाई गई थी, उसी के ठीक बगल में थॉमस ग्रे को भी दफनाया गया। तो सो इट इज फाउंड दैट द प्लेस ऑफ हिज ब्यूरिड बिसाइड हिज मदर, मतलब उनके दफनाए जाने का जो स्थान था उनकी माँ के पास था। सो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट द सेटिंग ऑफ हिज फेमस इलिजी दिस ग्रेव कैन बी सीन देयर, मतलब द सेटिंग ऑफ हिज फेमस इलिजी, मतलब उनके प्रसिद्ध शोक गीतों से, मतलब उनके प्रसिद्ध शोक गीतों से ये परिलक्षित होता है, ये स्पष्ट होता है कि वो जो उनकी कब्र है दिस ग्रेव कैन बी सीन देयर, मतलब वो कब्र जो है यहाँ पर, वहाँ पर जो है जहाँ पर वो दफनाए गए थे सेंट गाइल्स चर्च में, वो चर्च को, उस स्थान को आज भी जीवित मतलब माना गया है, मतलब कि वो आज भी जो है चर्चा में है, सामने दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से जो थॉमस ग्रे का जो जीवन रहा है इन दृष्टांतों से, मतलब इन क्या कहते हैं चीज़ों से होकर के, इन दायरे से होकर के गुजरा है, और हम अभी उनके जीवन से संबंधित और चर्चा कर रहे हैं। आप देखते रहिए, लगातार बने रहिए। सो अबाउट द कैरियर विच इज बीइंग डिस्कस्ड, इट इज सेड दैट थॉमस ग्रे फेल्ट एंड एक्सप्रेस्ड इन हिज पोयम एज मेलंकोली थॉट, मतलब ये भी कहा जाता है कि जो थॉमस ग्रे थे उन्होंने अपने कविताओं में डीप एक्सप्रेशन, मतलब कि गहराई तक अभिव्यक्तियों को वर्णित करना, मतलब कि कविता के जो मतलब आंतरिक, मतलब कविता के जो गहरे बिंदु हैं, जो मतलब कि मेलंकोली थॉट के जो गहरे इशूज हैं, उसको भी अपनी कविताओं में उन्होंने संकलित किया है, वर्णित किया है। अर्थात इट मीन्स दैट द पोएट थॉमस ग्रे हैज एक्सप्रेस द वेरी माइन्यूट इशूज ऑफ द पोएम विच इज रिलेटेड टू द मेलंकोली थॉट ऑफ द पोएम, मतलब कि कविता के जो निराशावादी, जो मतलब कि निराशावादी विचार हैं, उसके जो छोटे छोटे गहराई तक जाने वाले जो बिंदु हैं, उसको भी उन्हें अपने कविताओं में वर्णित किया है। सो ही डाइड इन द एज ऑफ 55 ईयर्स ऑफ हिज एज, ये कहा जाता है कि उनका जो जीवन था वो 55 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो गया था। अर्थात द होल लाइफ ऑफ थॉमस ग्रे वाज ओनली 55 ईयर्स, मतलब कि पूरा उनका जो संपूर्ण जीवन था वो 55 वर्ष की अवस्था तक ही रहा, अर्थात उन्होंने अपने जीवन को 55 वर्ष तक ही कंसीडर किया है। सो इन द नेक्स्ट व्यू आर इन द नेक्स्ट पॉइंट दिस पोएम वाज रिटेन इन 1750 एंड वाज पब्लिश्ड इन 1751, ये कहा जाता है इसके प्रकाशन के बारे में और इसके लिखने के बारे में। तो कविता का जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1751 ईस्वी में, और ये रिटेन कब हुई है 1750 में। इट इज सेड दैट इट इज बिगन, मतलब ये प्रारंभ की गई है 1745 में, बट दीज डेट ऑफ राइटिंग, दीज डेट ऑफ पब्लिशिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ राइटिंग डेट, ऑफ पब्लिशिंग डेट। सो इट वाज इन टू थाट, फर्स्ट थाट इज ऑफ राइटिंग 1750 एंड सेकेंड थाट ऑफ पब्लिशिंग इन 1751।
सो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इट ब्रॉट हिम ए ग्रेट फेम, मतलब कि ये बताया जाता है कि थॉमस ग्रे ने और बताया कि मैंने जैसा कि आप लोग अभी देखे हैं, इट इज फाउंड दैट ही हैज रिटेन ओनली 30 पोएम्स इन हिज थ्रू हिज लाइफ, मतलब अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने केवल केवल 13 कविताओं का सृजन किया है, 13 कविताएं लिखा, बट ही वॉज रिनोन, मतलब उनको ख्याति प्राप्त हो गई, ही हैज बिकम वेरी फेमस इन द लिटरेचर इन इंग्लिश लिटरेचर. सो वेन ही हैज रिटन दिस पोएम मीन्स एन इज रिटन इन कंट्री चर्चार्ड, इट वॉज पब्लिश इन 1751, मतलब ये कविता तो उन्होंने और लिखा, हम उसके उनके और कविताओं पर चर्चा करेंगे. उन्होंने ओट्स भी लिखा है, मतलब कि और ओट्स मूड में जो है उन्होंने पोएम लिखा है, लेकिन ये बताया जाता है कि ही बिकेम वेरी फेमस, मतलब दिस पोएम ब्रॉट हिम ए ग्रेट फेम, मतलब इस कविता ने उनके जीवन को बहुत ही प्रसिद्ध बनाया. तो कहने का तात्पर्य है द नेक्स्ट पोएटिकल बुक नेम्ड 6 पोएम्स, उनकी एक और कविता है उसी मतलब समय में लिखी गई थी, उसी कॉल में लिखी गई है, वो 1751-53 की कविता है, 51 की एन एल जी रिटेन इन कंट्री चर्चार्ड है, और उसी संदर्भ में उसी कॉल में जो है 1753 ईस्वी में एक और उनकी पोएटिकल बुक मतलब एक और कविता वाली किताब जो है ग्रंथ जो है आई प्रकाशन में आई है, उसका नाम है 6 पोएम्स, उन्होंने 6 कविताएं नाम की कविता लिखी है, वह जो है 1753 में पब्लिश हुई है. सो बट इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि एन एलिजी टेन इन कंट्री चर्चार्ड, गांव के कब्रिस्तान पर लिखी गई सो गीत नामक जो कविता थी, यह कविता उनको ज़्यादा प्रसिद्धि उपलब्ध कराई, मतलब कि इससे ज़्यादा उनको उपलब्धि मिली है. सो ही रोट आल्सो ओट्स, इट इज फाउंड दैट, मैं आपको जो है उनके द्वारा लिखे गए ओट्स की चर्चा करता हूँ, ओट्स की जो उनकी कविता है, ओट्स नाम की जो 2 कविताएं उन्होंने लिखा है उसकी हम चर्चा करते हैं, वो कौन कौन से है. दीज ओट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शेल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, सो स्टूडेंट कैन राइट अबाउट द ओट्स ऑफ थॉमस ग्रे. द फर्स्ट ओट इज प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, मतलब उन्होंने पहली जो ओट्स लिखा है, पहली ओट्स फॉर्म में जो कविता उन्होंने लिखा है उसका नाम था प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, मतलब दूसरे बिंदु पर उन्होंने उस ओट्स को जो लिखा है, चूंकि द ओट्स विच आर रिटेन बाय थॉमस ग्रे, दीज ओट्स आर वेरी फेमस, दीज आर वेरी पॉपुलर एट द टाइम व्हेन थॉमस ग्रे वाज राइटिंग, व्हेन ही वाज गिविंग हिज सर्विस टू द इंग्लिश लिटरेचर, जब वो अंग्रेजी साहित्य की सेवा कर रहे थे, तो उस समय जो कि उन 13 कविताओं में 13 कविता उन्होंने जो लिखा है, उन कविताओं में ओट्स प्रोग्रेस ऑफ पोएसी एंड द बर्ड, मतलब ये दोनों कविताएँ बहुत प्रसिद्ध हुई. तो हम उनके जो है कृतियों के बारे में, उनके जीवन में, उनके लाइफ, उनके सर्किल ऑफ लाइफ, हिस्टोरिकल मतलब उनकी लाइफ, इंसिडेंट ऑफ लाइफ, और उनके जीवन का जो संघर्ष है उस पर चर्चा करते हुए हम मुख्य और बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर इस प्रकार से पहुँचते हैं कि उन्होंने 2 ओट्स लिखा है, जो पहला ओट्स है वो प्रोग्रेस ऑफ पोएसी है, दूसरा ओट्स है द बार्ड, पहला है प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, और इस प्रकार से उन्होंने 55 वर्ष की अवस्था तक अपने जीवन को उन्होंने देखा है, अर्थात उनकी जो लॉन्ग लाइफ थी, उनकी जो लाइफ थी, होल लाइफ थी वो 55 वर्ष की थी. सो सेइंग फर्दर द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी एंड द बार्ड, इट इज सेड दैट इट वॉज प्रेस्ड ऑफ हिज फ्रेंड वालपोल, मतलब कि होरेस वालपोल नाम के जिसके मित्र थे, उन्होंने इन कविताओं को प्राइवेट स्ट्रॉबेरी हिल प्रेस नाम का एक जो है प्रकाशित करने वाला जो वो प्रेस था, उसमें इनके मित्र द्वारा इन कविताओं को, ओट्स पोएम को जो है प्रकाशित करवाया गया. इस प्रकार से यह जो बहुत मतलब कि बहुत रिमार्केबल पॉइंट है कि प्रोग्रेस ऑफ पोएसी एंड द बार्ड ये कहाँ पर प्रकाशित हुआ, कैसे प्रकाशित हुआ, तो इट इज सेड दैट बाई प्राइवेट स्ट्रॉबेरी हिल प्रेस, मतलब कि इस प्रकार का एक पब्लिकेशन केंद्र था, वो किसका था, इनके मित्र का था, वालपोल, जो होरेस वालपोल इनके जो मित्र थे, जैसा कि होरेस वालपोल और इनके जो रिचर्ड मतलब कि वेस्ट नाम के जो इनके जो दोस्त थे उनके बारे में बताया गया कि जब ये गए थे वहाँ पर पढ़ने, मतलब कि कैम्ब्रिज में जब अध्ययन करने गए थे, तो उस समय के जो प्रभावित करने वाले, अभी देखते हैं हम आपको बता रहे हैं कि ये लोग कौन हैं. अब ये बताया जाता है होरेस वालपोल एंड रिचर्ड वेस्ट वेयर हिज क्लोज फ्रेंड, मतलब कि इन लोगों ने इनकी मदद की, मतलब कि ये जो ओट्स मोड में जो कविताएं लिखी थी उसको प्रकाशित करवाने में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब इनका बहुत ही योगदान रहा होरेस वालपोल का.
जो होरिस पॉल पुल थे कौन, मतलब इनको बताया जाता है कि दे वेयर द सन्स ऑफ इन्फ्लुएंस्ड पर्सन इन द स्टेट, मतलब उस समय उस रियासत में जहाँ पर ये क्या कहते हैं थॉमस ग्रे जहाँ पर स्टडी करने के लिए गए थे, उस रियासत के बहुत प्रभावित मतलब प्रभावशाली लोगों के जो प्रभावशाली लोग थे उनके ये पुत्र थे, मतलब उस शासन उस समय की शासन व्यवस्था में जो इन्फ्लुएंस्ड पर्सन मतलब प्रभावशील मतलब प्रभावित करने वाले जो लोग थे, मतलब हो सकता है रियासत के लोग मालिक रहे हों, ये ऐसा जिससे कि इसमें आया नहीं है, तो ये लोग बहुत प्रभावशाली खानदान से बहुत प्रभावशाली घराने से इनका ये बिलोंग करते थे कौन, होरेस वालपोल एंड रिचर्ड वेस्ट हिज फ्रेंड। सो ही रोट द पोयम व्हेन रिटर्न टू कैम्ब्रिज, ये भी बताया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थॉमस ग्रे ने कविताओं का लिखना कविताओं को लिखने का जो इनका जो आरंभ करने का जो मतलब कि टाइम था वो कैसे कहाँ शुरू होता है, तो ये प्रश्न उठता है कि उन्होंने कविताओं का संकलन कब से शुरू किया, मतलब कि कहाँ से उन्होंने लौटने के बाद किस क्षेत्र से वापस आने के बाद कौन सी घटना उनके साथ घटी कैसे। तो ये कहा जाता है कि जब वो कैम्ब्रिज से वापस आए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो चले गए मतलब वहाँ एज ए प्रोफेसर अपॉइंटमेंट हो गया उनका, या जब वो गए थे पढ़ने के लिए उस समय जब वो वहाँ से आते हैं तो उन्होंने सारी कविताओं को संकलित किया लिखा। ग्रेवाज थॉमस ग्रेवाज चार्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ एल्प्स माउंटेन, मतलब इनका जो आकर्षण का इनके जो सौंदर्य मतलब इनके जो इनको आकर्षित किया गया इनकी कविताओं को जो आकर्षण के बिंदु से देखा गया उसमें ये पाया जाता है कि ये चार्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन नाम का जो स्थान है मतलब उनकी सुंदरता मतलब उनके जो उनके काव्य में जो सुंदरता है एल्प्स ऑफ माउंटेन एल्प्स माउंटेन से ली गई है। सो द लाइफ ऑफ थॉमस ग्रे हैज बीन टुडे डिस्कस्ड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोयम ऑफ एन इजिप्ट इन कंट्री सज्जाज। इस प्रकार से हमने थॉमस ग्रे की कविताओं के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि उनके जीवन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इशूज थे, इम्पोर्टेंट जो उनके रोल थे, इम्पॉर्टेंट जो उनकी एक्टिविटी थी, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क जो थे, उन्होंने कैसी कविताओं को कब लिखा, क्या लिखा, कितना कितना लिखा, इन सब पर हमने चर्चा किया। तो मैं आई होप दैट द स्टूडेंट्स वुड हैव बीन नोन अबाउट द पेक्यूलर आर द स्पेशल आर स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम, मतलब कि हाँ स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएट, मतलब कि कविता के जो मतलब कवि के जो है स्पेशल फीचर जो हैं, जो विशेष उसके गुण हैं, विशेष अवगुण हैं, कविता के लिखने का जो प्रारंभ करने का जो उनका समय है, कहाँ से कविताओं को प्रारंभ किया, उनकी कविताओं में जो थीम है, इन सब चीज़ों को मैंने सब चीज़ों पर मैंने डिस्कस किया। सो आई थिंक दैट इट हैज बीन फिनिश्ड टुडे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। सो इट इज सेड दैट अब हम आपसे जो है कविता कहाँ से प्रारंभ होती है, कौन सा समय है, कविता का कौन सा विषय वस्तु, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग बिफोर यू, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। इन द फर्स्ट टाइम वेयर द पोएट इज सिटिंग, इट इज द प्लेस ऑफ ए चर्चार्ड, मतलब ये कब्रिस्तान का एक स्थान है, मतलब कब्रिस्तान से इस कविता का जो है प्रारंभ होता है, और इट इज़ द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द पोएम इट इज इवनिंग, मतलब ये कहा जाता है कविता के संदर्भ में ये बताया गया कि कविता जहाँ से प्रारंभ होती है वो कविता का स्थान है कब्रिस्तान, गांव का कब्रिस्तान, और कविता कब्रिस्तान पर जो कवि है वहीं पर बैठा हुआ है। इन द थीम ऑफ द पोएम द पोएट इज सिटिंग नियर द ग्रेवार्ड विच इज रिलेटेड टू द विलेज आर रूरल एरिया, मतलब ये कहा जाता है कि ये कविता जो प्रारंभ हो रही है, जैसा कि कवि ने थॉमस ग्रे ने एक बात बताई थी कि वो जो कब्रिस्तान पर खड़ा हुआ था, मतलब कब्रिस्तान पर जहाँ पर वो बैठा हुआ है कब्रों को देख रहा था, तो उन निरीह कब्रों को मतलब वो दयनीय दशा वाली कब्रों को देखते हुए उसके मन में एक विचार आता है कि जो अच्छे अच्छे लोग, गांव के संभ्रांत लोग, पढ़े लिखे लोग, मतलब अवसर से वंचित लोग, जिनको इस कब्र में दफनाया गया है, जिसको मैं आज देखने आया हूँ, जो दशा इनकी हो रही है, मतलब इन कब्रों में जो इनकी दशा हो रही है, कवि जो है वहाँ पर मेलांकोलिक थॉट को एक्सप्रेस करता है,
मतलब वो जो दशा हो रही है तो कभी अपने बारे में भी सोचता है, ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ऑल्सो, सो ही थिंक्स दैट वन डे ही विल बी लाइंग ब्यूरीड इन द ग्रेव ऑफ द विलेज, मतलब इस गांव के कब्रिस्तान में एक दिन उसकी यही दशा होगी कि वो भी दफना दिया जाएगा। तो सो इज थिंकिंग अबाउट दीज थॉट्स, सो व्हेन ही कंसिडर्ड अबाउट वन डे ही विल लाइक बी ब्यूरीड दोज रूरल विलेजर्स, जब एक दिन गांव के लोगों की भांत उसको भी इसी कब्रिस्तान में, गांव के कब्रिस्तान में, उजड़े हुए खंडित कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा, तो उसके भी वही दशा होगी। तो वो इसी के बारे में सोच रहा है और गांव के कब्रिस्तान पर वो बैठा हुआ है। तो जो थीम है कविता का, जो विषय है, वो कहाँ से शुरू होता है, कि गाँव के कब्रिस्तानों से, मतलब गाँव के जो कब्रिस्तान है उसमें दफनाए गए जो लोग हैं वहाँ से इस कविता का जो है थीम, इस कविता का जो विषय है वहीं से प्रारंभ होता है। अब द एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम विच इज एक्सप्रेस विच बींग एक्सप्रेस बाय द पोएट, कविता का जो माहौल है, कविता का जो टाइमिंग है, वो कहाँ से प्रारंभ होती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। टू द पॉइंट, मतलब इट इज टाइम ऑफ इवनिंग, द पोएट थॉमस ग्रे इज ऑल्सो सेइंग दैट व्हेन ही वॉज सीटिंग देयर नियर द ग्रेव ऑफ द विलेज, सो इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग, मतलब वो कहता है कि जब हम वहाँ पर उपस्थित थे तो वो संध्या का प्रहर था, संध्या के प्रहर का जो है वो स्टेटमेंट देता है कि कैसे संध्या थी, मतलब ही वॉज नॉट सेइंग इट वॉज द टाइम ऑफ सेटिंग सन, मतलब कि वो सूर्यास्त होने की बात नहीं करता है, बट ही इज गिविंग मैनी इशूज मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ बींग डार्कनेस ऑफ बींग इवनिंग, मतलब वो शाम के होने के अनेक प्रकार के ज्वलंत चीज़ों को, ज्वलंत उदाहरण को, ज्वलंत मतलब इशूज को, बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहा, जिससे ये इट इज प्रूव दैट द इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग, मतलब ऐसे सिद्ध हो जाएगी कि जैसे शाम हो गई है। अब ही इज सेइंग दैट इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग, कविता का जो प्रारंभ पहला बिंदु जो है वो वहाँ से होता है कि शाम की बेला है, कैसे शाम की बेला है, फार्मर आर एंड कैटल्स आर रिटर्निंग होम, शाम के प्रहर को इस प्रकार से वक्तव्य दे रहा है, मतलब शाम कैसे है उसको सिद्ध कर रहा है। ही इज सेइंग दैट कैटल्स एंड फार्मर्स आर रिटर्निंग होम, मतलब जो पशु हैं, चरवाहे हैं, चराने वाले लोग हैं, दे आर रिटर्निंग ऑल्सो होम, मतलब वो घर की तरफ लौट रहे हैं, सो इट इज इवनिंग, मतलब ये इसका तात्पर्य होता है कि शाम हो गई है, शाम हो गई का तात्पर्य है। कभी जो है अपने भाषाओं में कहता है कि द फार्मर्स एंड कैटल्स आर रिटर्निंग होम, सो इट इज प्रूव्ड दैट इट इज इवनिंग, मतलब वो कहता है पशु और चरवाहे, गाँव के चराने वाले लोग, किसान लोग जो उनको चराने गए थे, वे लोग वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है काम हो रही है। दे हैव बीन टायर्ड, दे आर रिटर्निंग इन वेरी स्लोली स्पीड, मतलब वो बहुत क्या कहते हैं कि धीमी गति से आ रहे हैं। इट अपीयर्स दैट दे हैव बीन मच टायर्ड, मतलब ऐसा प्रतीत होता है वे लोग जो है बहुत थक गए हैं। ये थकने का जो मतलब दृष्टांत होता है वो होता है कि जब आदमी कहीं से लौटता है तो थका, थकने का जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, थकने की जो उसकी मोशन होती है वो झलकने लगती है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से आ रहा है। सो इट इज सेड दैट दे हैव बीन टोटली, दे हैव बीन क्वाइटली टायर्ड, वो पूर्णतया थक गए हैं, बट फ्रॉम द मोड ऑफ वॉकिंग ऑफ द फार्मर, मतलब कि जो किसानों के आने का जो मोड है, आने का जो स्वरूप है, उनकी जो गति है वो कैसी दिखाई पड़ती है, वो कैसे हो गए हैं, वो थक गए हैं, इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि कविता जो है एक मतलब प्रारंभ का जो उसका मतलब स्थान है वो गांव के कब्रिस्तान का है, वहाँ पर कवि जो है बैठा हुआ है, वहाँ की दशाओं का वो वर्णन कर रहा है अपने अपनी कविता में। द इन ए नट्सल आई मीन टू से दैट द पोएट इज गिविंग द एटमॉस्फियर द रियल इंसिडेंट ऑफ दैट टाइम वेयर ही इज सीटिंग नियर द ग्रेव ऑफ द रूरल और द विलेजर, मतलब ग्रामीणों के कब्रिस्तान पर बैठा हुआ है। सो इट अपीयर्ड ही इज मच टायर्ड, इट इज सेड अबाउट द फार्मर हु इज रिटर्निंग होम, मतलब जो अपने घर आ रहा है, एक किसान को देख करके थॉमस ग्रे ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, इट अपीयर्ड ही इज मच टायर्ड, वो ऐसा लगता है वो काफ़ी थक गया है, बहुत थक गया है। सो दस, अब ये कैसे शाम की मतलब शाम की बेला को सिद्ध करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्या है, द कर्फ्यू बेल इज रिंगिंग टू गिव वार्निंग टू द हाउस वाइफ टू पुट आउट द
डोमेस्टिक लाइफ। अब ये जैसे होता है, इट इज ए कस्टम ऑफ द क्रिश्चियंस, मतलब ये ईसाइयों की एक पद्धति होती है कि जहाँ पर ईसाई कंट्रीज, मतलब कि ईसाई लोगों का जो देश है, ईसाई लोगों का जो स्थान है, वहाँ पर वो जो गिरजाघर होता है, चर्च, इट इज ए प्लेस ऑफ द रिलीजियस कॉन्सेप्ट, मतलब कि धार्मिक विचारों का एक जो स्थल होता है, वहाँ पर गिरजाघर में वो एक्यूरेट, मतलब एक डेफिनेट टाइम में, मतलब एक निश्चित समय में जब शाम हो जाती है तो गिरजाघर में एक घंटी बजती है। इट इज ए काइंड ऑफ वार्निंग टू द वाइफ, हाउस वाइफ, टू पुट आउट द डोमेस्टिक लाइट, मतलब ये एक वार्निंग होती है कि वहाँ के इर्द गिर्द जो लोग बसे हुए होते हैं उनको एक चेतावनी दी जाती है कि हु आर रिलेटेड टू द रिलीजन ऑफ क्रिस्ट, मतलब ईसाई धर्म से जो संबंधित लोग होते हैं, हु आर द फॉलोअर्स ऑफ द क्रिस्ट, मतलब जो ईसाइयों के अनुयायी होते हैं, उनके लिए एक चेतावनी भरी घंटी बजती है वो गिरजाघर में, शाम की घंटी उसको कहा जाता है, गिरजाघर की शाम की घंटी है, जब बजती है तो हाउस वाइफ, मतलब कि जो मतलब पत्नियां हैं, मतलब कि घर गृहस्थ, मतलब कि जो पत्नियां हैं, उनको ये वार्निंग दी जाती है कि वो अपने घरों में डोमेस्टिक लाइट, मतलब घरेलू प्रकाश, घरेलू दिए को, घरेलू दीपक को जला लें। सो इट मीन्स द कर्फ्यू बेल, कर्फ्यू मीन्स डू नो अबाउट कर्फ्यू, इट इज ए काइंड ऑफ वार्निंग बेल, सो इफ इट इज रिंगिंग देयर इज नो अराइवल, मतलब ये कर्फ्यू जिसको कहा जाता है, इसको कविता के जो दृष्टांत में, कविता के जो व्यू में ये लिखा गया है, उसका मतलब होता है कि आवागमन बंद, मतलब आने जाने पर रोक, या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है, इट इज सेट द वेल ऑफ कर्फ्यू, मतलब उसी को कर्फ्यू की घंटी कही जाती है, मतलब इसका मतलब होता है कि वो कर्फ्यू की घंटी जब बजती है तो ऑल द पीपल हु आर लिविंग एट देयर एरिया दे हैव बीन अलर्ट टू पुट आउट द लाइट ऑफ हिज हाउस, मतलब कि वो जो वहाँ पर अगल बगल रहने वाले लोग होते हैं उनकी पत्नियाँ उसको ये समझती हैं कि अब गिरजाघर की घंटी बज गई है, इसका मतलब इट इज इंडिकेटिंग ऑफ बीइंग डार्कनेस, ऑफ बीइंग इवनिंग, मतलब शाम होने का ये प्रतीक है, शाम हो गई है, अब हम अपने घरों में शाम का दीपक जो है जलाएंगे। सो इट इज प्रूव्ड दैट द इवनिंग हैज कम एट द टाइम व्हेन द पोएट इज सीटिंग नियर द ग्रेव। सो इन द नेक्स्ट पॉइंट, द पोएट इज सीटिंग इन द ग्रेवयार्ड ऑफ चर्च, मतलब कब्रिस्तान, मतलब चर्च माने उस गिरजाघर के कब्रिस्तान के अगल बगल, मतलब बगल में जो बैठा हुआ है, ही इज एलोन ऑल एलोन, मतलब वो वहाँ बिल्कुल और बिल्कुल अकेला है, देयर इज नो एनी बॉडी हियर ही इज सीटिंग, मतलब वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है जहाँ पर वो बैठा हुआ है। सो द एटमॉस्फेयर ऑफ द ग्रेव आर्ड इज सोलेमली साइलेंट, मतलब वहाँ का जो वातावरण है, वाई द टाइम इज ऑल्सो यूनिक, मतलब शाम की बेला है, तो शाम की बेला में, मतलब कि शाम के प्रहर में जब जो चरवाहे लोग हैं, पशु को चराने वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो मतलब कि घास के मैदान में, मतलब सिवान में या जहाँ भी गए हैं अपने पशु को लेकर के, जब वो लौट जाते हैं, उनकी रिटर्निंग टाइम है, तो माहौल जो होता है थोड़ा शांत हो जाता है। अभी कभी बताएगा कि कीट पतंगे हैं जो उनको देखा जाता है वहाँ पर। सो द एटमॉस्फेयर ऑफ द ग्रेवयार्ड इज सोलेमली साइलेंट, मतलब कि उस कब्रिस्तान के, उस चौतरफे कब्रिस्तान का जो माहौल है वो बिल्कुल और बिल्कुल शांत है। सो दिस इज द टाइम ऑफ द पोयम व्हेन इट इज स्टार्टिंग, मतलब ये जो कविता जहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो इस प्रकार का माहौल है कवि जो दे रहा है, और थोड़ा सा और कुछ दो चार बिंदु हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसा कि इसके अर्थ को थोड़ा समझ जाते होंगे, कविता का जो चीफ सब्सटेंस है वो यही है, कविता कैसे प्रारंभ होती है, आप देखते रहिए। इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम और इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, कविता के इंट्रोडक्शन के ही संदर्भ में थोड़ा सा कुछ पंक्तियाँ मैंने संकलित किया है, लिखा है, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया गया कि जो समय है वो शाम का समय है, कवि गांव के कब्रिस्तान पर अकेला बैठा हुआ है, गांव के या उस मतलब ग्रामीण लोग जो अपने पशु को चराने के लिए क्या कहते हैं चरागाह में ले गए हैं, वो लोग बिल्कुल लौट रहे हैं, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि शाम हो गई है, वे लोग थके हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है, थक करके धीरे धीरे, मच टायर्ड दे आर वॉकिंग, दे आर रिटर्निंग होम, दे अपीयर्ड दे हैव बीन मच टायर्ड। सो इन दिस फर्दर लाइन
मतलब इन दिस पैसेज इट इज सेड फर्दर, ये आगे कहा जाता है, अब शाम के बेला के साथ जब कविताओं का थोड़ा सा वर्णन हो गया होगा तो टाइम थोड़ा सा और पास हुआ होगा, मतलब वो अब टाइम आ गया है नाइट का, मतलब ये कवि कहता है कि अब रात की प्रहर होता है, रात की बेला हो गई, मतलब कवि लगता है रात को वहाँ भी कुछ समय तक रहा होगा तभी ना ये रात का माहौल आता है। इट इज नाइट, द पोएट इज सिटिंग स्टिल इन द चर्चयार्ड ऑल एलोन, अब शाम हो गई है, कवि वहीं बैठा है जहाँ कभी मैंने बताया, तो ऑल एलोन का मतलब वो अकेला बैठा हुआ है, देयर इज नथिंग, वहाँ पर कोई नहीं है, नो बॉडी इज वॉकिंग देयर, नो बॉडी इज कमिंग एंड गोइंग देयर, सो ही इज सिटिंग देयर स्टिल अलोन इन द चर्चयार्ड, मतलब वो भी अकेला वहाँ पर कब्रिस्तान पर बैठा हुआ है। देयर इज कम्प्लीट साइलेंस इन द एटमोसफियर, मतलब वहाँ का जो वातावरण है, मतलब कि अब देखिए रात की बेला हो गई है, कभी अकेला बैठा है, जो चरावाह मतलब चरवाहा लोग जो चरागाह से अपने पशुओं को लेकर लौट रहे थे वो लौट भी गए होंगे, बट द एटमोसफियर ऑफ रिटर्निंग द कैटल्स एंड द फार्मर्स इट इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ द पोएट, मतलब ये बातें कवि के दिमाग में घट रही हैं, ऐसा नहीं, दे हैव पॉज़ सो बट दिस एटमॉस्फेयर साइलेंस समटाइम्स, अब देखिए ये बताते हैं, अब देखिए वो घटना का वर्णन करना शुरू किए हैं, मतलब घटना को बता रहे हैं कि ये जो समय था वो कुछ देर के लिए ही, कुछ समय के लिए ही कैसा था, साइलेंट था, समटाइम्स साइलेंट, मतलब कुछ समय के लिए कैसा था, बिल्कुल और बिल्कुल शांत था, वो कब तक, डिस्टर्ब बाय द हूटिंग ऑफ द आउल, अब वहाँ पर एक देखिए एक वर्णन करते हैं कि वहाँ पर एक उल्लू है वो जो है डाल पर बैठा हुआ है और वो जो है मतलब कि माहौल में, मतलब जो साइलेंट का माहौल है वो वहाँ से आने जाने वाले लोगों के आने जाने वाले लोग जो हैं उसके कारण उल्लू जो है वो बोलना पड़ रहा है उसको, वो कह रहा है कि आने जाने वाले लोग जो रात की गति है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब जो उल्लू है वो उन लोगों को देख करके अपने व्यथा को बता रहा है कि मेरी हूटिंग करते, मतलब कि मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिसको मैं देख करके बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की आवाजाही उस रात के माहौल में है, उल्लू ये प्रदर्शित कर रहा है, मतलब वो कहने का तात्पर्य है कि हूटिंग ऑफ, मतलब ये डिस्टर्ब बाय द हूटिंग ऑफ द आउल, मतलब कि कुछ माहौल जो शांत था वो उल्लू के मतलब संकेत से, मतलब उल्लू ये संकेत कर रहा है कि कुछ लोगों का आवाजाही उधर से है, मतलब उल्लू की आवाज़ ही बता रही है। He says that the old villagers who are now lying buried in their graves, वो आगे बताता है कभी, ये कह रहा है कि ये ओल्ड विलेजर्स मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं थे ग्रामीण लोग, मतलब अनपढ़ गवार लोग जो उस कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं, shall not come to life again, मतलब वो अपने जीवन में लौटेंगे नहीं, they have closed their opportunity forever, मतलब उन्होंने अपने जीवन के जो अवसर थे उसको हमेशा हमेशा के लिए गंवा चुके हैं, खो चुके हैं। He thinks that, वो आगे सोचता है, the pigeons get up very early generally, मतलब वो सामान्य तरीके से वो सोचता है कि the pigeons get up very early, ये किसान जल्दी से जल्दी उठते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी उठते थे, जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाते थे, मतलब कि इनके बारे में वहाँ के जो लोग दफनाए गए हैं उनकी थोड़ा सा जीवन की व्याख्या की गई है कि वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, अपने समय से उठते थे, अपने समय से अपना काम करते थे, ऐसे लोग उस कब्र में दफनाए गए हैं। इन अदर वर्ड्स ही विल नेवर ओक अप अगेन, मतलब ये अच्छे अच्छे लोग, अच्छे किसान, समय से वंचित लोग जो दफनाए गए हैं, दे विल नेवर ओक वेक अप अगेन, मतलब वो अब कभी नहीं वापस आएंगे, कभी नहीं जागेंगे। अब आगे क्या कहता है कवि अंतिम पंक्तियों में, सारांश की इस अंतिम पंक्तियों में, कविता को एक संक्षिप्त दृष्टिकोण के अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहा है, जैसा कि आप पूरे अर्थ कविता का पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। एमंग दीज विलेजर्स, मतलब ये ग्रामीण लोग जो दफनाए गए हैं, देवर मेनी, मतलब ऐसे बहुत से लोग होंगे हु कुड बी ग्रेट पोएट, जो एक अच्छे लेखक बन सकते थे, एंड म्यूजिशियंस संगीतकार बन सकते थे, लीडर्स राजनेता बन सकते थे, इफ दे वेयर अलाइव एंड हैड अपॉर्चुनिटी एंड नेसेसरी फैसिलिटी। कभी ये आगे कहता है कभी, मतलब इस संक्षिप्त में, मतलब सारांश के संक्षिप्त में, इस कविता के थोड़ा सा मतलब उसके इंट्रोडक्शन के अंतिम संक्षिप्त में, अंतिम पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि
कि इसमें जो लोग दफनाए गए थे वे गरीब जरूर रहे होंगे, लेकिन उनको अगर अवसर मिला होता उनके अपने जीवन में, वो राजनेता होते, संगीतकार होते, मतलब कवि होते, यदि उनको आवश्यकता की जो वस्तुएं थी, आवश्यकता की जो चीज़ें थी, वो समय से और उनको अवसर प्रदान हुआ होता, मतलब उनको ये अवसर मिला होता और कुछ सुविधाएं अगर उनको मुहैया कराई गई होती, तो वो जरूर न जरूर वे लोग अपने जीवन में इस बुलंदी पर, इस दहलीज पर पहुँचते। सो द समरी ऑफ द पोएम आर द इन द नटसेल थॉट ऑफ द पोएम हैज बीन टू फिनिश्ड। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैसेज ऑफ द पोएम वन बाय वन, मतलब कविता के मैं एक एक पैसेज को एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जैसा कि आप समझ गए होंगे कविता का शुरू से कवि का क्या विचार है, वो ला करके कहाँ पर कविता के अंतिम मोड़ पर कहाँ खड़ा होता है, ये सब चीज़ें इस कविता के इंट्रोडक्शन में ही सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम कविता के एक एक स्टेंजा को जो है अलग अलग ढंग से डिस्कशन देंगे, अलग अलग ढंग से उसका हम एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आपको और विस्तार पूर्वक समझ में आ सके। तो इसलिए अब आप जो है कविता के इस इंट्रोडक्शन के अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं और सारी चीज़ों को ऐसा देख रहे हैं कि ग्रामीण लोगों को अपॉर्चुनिटी यदि समय मिला होता, नेसेसरी फैसिलिटी मतलब आवश्यक सुविधा मुहैया कराई गई होती, ये लोग भी ग्रेट पोएट, ग्रेट म्यूजिशियंस एंड ग्रेट लेटर्स, दे कैन बी अचीव देयर ग्लोरी, दे कैन अचीवमेंट, दे कैन गेट अचीवमेंट इन देयर लाइफ। सो आई विल आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। The first stanza of the poem is, the curfew tolls the knell of parting day. The curfew tolls the knell of parting day. The loving herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. Kavita ka jo pehla padya hai, उसमें कवि, जैसा कि अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम में मैंने आपको बताया कि कविता का जो प्रारंभ है वो, मतलब कवि जो है शाम की बेला हो गई है, गांव के कब्रिस्तान पर बैठा हुआ है और बैठ करके गांव का जो सिचुएशंस है, द एटमॉस्फेयर, द सिचुएशंस ऑफ द विलेज विच इज हैपनिंग बिफोर हिम, मतलब जो घटनाएँ उसके सामने घट रही हैं, सामने घटनाओं का मतलब वही है कि मतलब कि गांव के जो मतलब ग्रामीण लोग हैं वो अपने पशुओं को लेकर के कब्रिस्तान में गए हुए हैं, आई एम सॉरी चरागाह में गए हुए हैं और वहां से अपने पशुओं को लेकर के लौट रहे हैं। शाम की बेला है, इट इज़ द टाइम ऑफ इवनिंग। तो इसमें जो कविता है उसमें ये दिखाई पड़ता है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, मतलब ये पहली जो पंक्ति है कविता की, जो पहली पंक्ति है पद्य की, जो पहली पंक्ति है, द कर्फ्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कर्फ्यू मीन्स होता है द अराइवल टाइम, द डिपार्चर टाइम हैज बीन एंडेड, मतलब कि डिपार्चर आने जाने का जो समय वो बंद, देयर इज नो अराइवल, देयर इज नो एनी कमिंग, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस एट द मूवमेंट ऑफ द प्लेस, मतलब कि उस स्थान पर जहाँ पर आवागमन आवाजाही सब बंद हो जाता है। इट इज़ द लास्ट इंडिकेशन, इट इज़ द लास्ट इंडिकेटिंग ऑफ द बेल ऑफ द चर्च, मतलब ये गिरजाघर की घंटी जब बजती है उसी को कहते हैं कर्फ्यू। सो इट इज़ ए डिपार्टिंग टाइम ऑफ द डे, सो इट इज़ गुड बाय टाइम ऑफ द डे, मतलब ये गुड बाय कहने का समय होता है कि समय जो है चला जा रहा है। सो इट इज़ इन्फॉर्मिंग टू द हाउस वाइफ, सो दे पुट आउट द लैम्प ऑफ द हाउस, मतलब ये उस समय का बेला होता है, उस समय का प्रहर होता है जब गिरजाघर की घंटी बजती है, तो उस समय इर्द गिर्द में रहने वाले जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग होते हैं उनकी महिलाओं को ये इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि अब अपने घर में दीपक को प्रज्वलित कर लें क्योंकि शाम की बेला हो गई है। गिरजाघर की घंटी बजने का मतलब शाम की बेला हो गई है, अब गिरजाघर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। सो द कर्फ्यू मीन्स देयर इज नो अराइवल इन द चर्च, देयर इज नो अराइवल इन द एरिया ऑफ चर्च, इट इज़ अ टाइम ऑफ डिपार्टिंग द डे, इट इज़ अ टाइम ऑफ गुड बाय टू द डे, मतलब ये समय को गुड बाय कहने का समय होता है।
सो द पोएट इज सेइंग दैट द इट इज द टाइम ऑफ कर्फ्यू नो, मतलब ये समय जो है इट इज डिपार्टिंग टाइम ऑफ द डे, मतलब ये समय प्रस्थान हो गया है, मतलब जो दिन का समय है वो समाप्त हो गया है, कर्फ्यू का मतलब होता है। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, मतलब चरागाह से जो किसान लोग हैं, जो चरवाहा लोग हैं, जो अपने पशु को चराने वाले लोग हैं, वो द लोविंग हर्ड विंड, मतलब ऐसी उनके गले में जो घंटियां बनी हुई हैं वो घनघना रही आ रही हैं। इसका मतलब कवि अपने आप को ये समझ रहा है कि शाम हो गई है, पशु के साथ उनके स्वामी भी घर को लौट रहे हैं। द एनिमल्स एंड द फार्मर्स आर रिटर्निंग आल्सो, द प्लाउमैन होमवर्ड मीन्स देयर इट इज द मीन, मतलब शाम की बेला हो गई है, मतलब जो क्या कहते हैं जो हवा है वो धीरे धीरे चल रही है, और क्या हो रही है, द ग्रेप ग्रेप्स ऑफ द कैटल्स विच हैव बीन ग्रेजिंग, द ग्रुप ऑफ द कैटल्स विच हैज बीन ग्रेजिंग इन द ग्रॉस लैंड फॉर द होल डे आर नाउ मूविंग अबाउट एनॉक्सियसली फॉर देयर हैव कमिंग, मतलब ये लोग अब इस चिंता के साथ वापस आ रहे हैं कि समय हो गई, अर्थात पशु लोग और चराने वाले लोग, द प्लाउमैन हु हैज been doing work in the field is coming back home with weary step, मतलब कि गांव के जो लोग गए थे, गांव के जो लोग काम करने के लिए गए थे वो लोग भी लौट रहे हैं, जो पशु चराने गए थे वे लोग भी लौट रहे हैं। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम की बेला हो रही है, संसार में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। सो इट मीन्स द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, मतलब समय के समाप्त होने का संकेत गिरजाघर की घंटी से हो रहा है। इट मीन्स इट इज द टाइम ऑफ डिपार्टिंग डे, इट इज द टाइम ऑफ गुड बाय, इट इज द टाइम ऑफ सेइंग गुड बाय डे, मतलब ये गुड बाय कहने का दिन है, गुड बाय कहने का टाइम है, इट इज द टाइम ऑफ सेइंग गुड बाय। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, मतलब कि पशुओं का झुंड, हर्ड मीन्स यहाँ होता है झुंड, कैटल्स मतलब जो पशुएं हैं वो अपना चिंघाड़ते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं। प्लाउमैन आर फार्मर्स आर आल्सो कमिंग टुवर्ड्स देम, मतलब उनके साथ उनके आगे उनके भी उनके सामने से जो है टुवर्ड्स देम, मतलब उसके सामने जो है वहाँ के जो किसान थे जो पशु को चराने गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। प्लाउट्स हिज वियरी वे, वो ऐसे आ रहे हैं जैसे वॉक, प्लाउट्स मीन्स होता है यहाँ पर वॉक, प्लाउट्स मीन्स होता है वॉक, वे ऐसे आ रहे हैं जैसे हिज बियरी वे, मतलब वो थके हुए अपने रास्ते को तय कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे, दे आर अपीयरिंग मच टायर्ड पर्सन। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस टू मी, एंड लीव द वर्ल्ड वर्ल्ड रियल साइलेंट है, लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, मतलब कभी ये कहता है कि शाम की बेला हो गई, ऐसा द इंटायर लैंडस्केप इज ऑब्जर्व डेजर्ट ओनली द पोएट एंड द यूनिंग डस्ट ग्रेजुअली थिकेनिंग और लेफ्ट देयर, मतलब कभी वहाँ पर अकेला हुआ है, डार्कनेस एंड टू मी मतलब कभी वहाँ पर अकेला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि शाम की बेला हो गई है, अर्थात गाँव के जो चरवाह हैं जो पशु हैं वो सभी लोग वापस आ रहे हैं। The meaning of the first stanza, the curfew tells the knell of parting day, means the church bell is ringing in the evening, मतलब शाम के प्रहर में गिरजाघर की घंटी जो बज रही है संकेत कर रही है उसका मतलब होता है curfew toll। Saying a goodbye to the departing day, मतलब प्रस्थान करने वाले दिन को, मतलब जो दिन बीत रहा है जा रहा है उसको क्या कह रही है, goodbye कह रही है, अभिवादन दे रही है, कौन, गिरजाघर की घंटी जो शाम को बज रही है, अभिवादन इसलिए दे रही कि वो अगली मुलाकात उसकी सुबह होगी। सो द ग्रुप ऑफ कैटल्स विच हैव बीन ग्रेजिंग इन द ग्रॉस लैंड फॉर द होल डे आर मूविंग, मतलब वो दे आर कमिंग आल्सो, द ग्रुप ऑफ द कैटल्स आर द कैटल्स एनिमल्स विथ देयर फार्मर्स हु हैव बीन द एनिमल्स विथ देयर फार्मर्स which have been grazing in the grassland, मतलब जो चरा grassland मतलब कि जो घास के मैदान में चरने के लिए खाने के लिए
अपना भोजन करने के लिए गए थे पूरे दिन के लिए आर मूविंग, उनके अंदर चहल पहल हो गई, वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। द प्लाउमैन हैव बीन आल्सो विथ देम, मतलब किसान भी उनके साथ है, आई मीन टू से दैट द प्लाउमैन हु हैज बीन डूइंग वर्क इन द फील्ड इज कमिंग बैक होम विथ वेरी स्ट्रेस, मतलब वो भी लोग जो अपने घरों से काम करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में गए थे वो भी अब थकान वाले कदमों के साथ अर्थात थके हुए होकर के धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। द इंटायर लैंड स्कोप इज डेजर्टेड, मतलब कभी वहाँ पर जो अकेला सुनसान जगहों पर बैठा हुआ है वो स्थान अब कैसा हो गया है, जब गांव के मतलब कि पशु और किसान और चराने वाले चरवाहा लोग वापस चले जा रहे हैं। तो कभी एट द लास्ट इन द फर्स्ट पैसेज इन द लास्ट द पोएट इज सेइंग दैट द इंटायर लैंडस्केप, मतलब वो जो वातावरण था इट हैज बीन चेंज इन टू डिजर्टेड एटमोसफियर, मतलब वो निर्जन सुनसान स्थानों में तब्दील हो गया है, मतलब वो जो स्थान है मतलब वह जहाँ पर कभी बैठा हुआ है वो कैसा हो गया है, एकदम निर्जन सुनसान हो गया है। सो इट इज थिंकिंग द पोएट इज थिंकिंग दैट द एटमोसफियर हेयर ही इज सिटिंग इट हैज बीन चेंज इन टू द डिजर्टेड लैंड, मतलब निर्जन और सुनसान स्थान में वो तब्दील हो गया है। सो द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज फिनिश्ड टुडे, आई शैल डिस्कस द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। थैंक यू वेरी मच। आओ मैडम।